नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल देसी कुकिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे आंवले का तेल। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 3-4 बड़े आंवले बारीक कटे हुए, 3-4 चम्मच मेथी दाना, 2-3 चम्मच चाय की पत्ती और आधा लीटर सरसों का तेल। तो आप सभी जानते हैं आजकल आंवले का सीजन है और आंवला हमारे बालों और सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। हमें हमेशा आंवले को खाना चाहिए और अपने बालों पर भी इसका प्रयोग करना चाहिए। आजकल के समय में छोटे छोटे बच्चों से लेकर जवान लोगों के बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं, इससे उनके अंदर टेंशन होने लगता था। अब क्या करें, तो चलिए आज बनाते हैं आंवले का तेल। एक कढ़ाई में आधा लीटर तेल को गैस पर गर्म होने के लिए रख दें। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो अब इसमें आंवले कटे हुए जो हैं वो डाल दें और इसको बीच बीच में अच्छे से हिलाते रहें ताकि ये अच्छे से पक जाएं। इसे 4-5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाते रहें। इसे बीच बीच में हिलाते रहिएगा, नहीं तो ये बिल्कुल जल जाएंगे। अब ये अच्छे से पक चुके हैं और इसका कलर भी पहले से बहुत ही अच्छा हो गया है और इसकी खुशबू वो तो इतनी अच्छी है ना कि दिल करता है कि बस इसके पास ही खड़े होके इसकी स्मेल लेती रहूं। इसका कलर भी देखो पहले से कितना अच्छा लग रहा है। बाजार में जो आंवले का तेल मिलता है उसमें पता नहीं कितने केमिकल्स डाले गए होते हैं और उसकी खुशबू भी इतनी तेज होती है कि हम उसको लगा के किसी के पास बैठ भी नहीं सकते। अब देखिए ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे मेथी दाना। अब ये दोनों चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे चाय की पत्ती और अब तीनों चीज़ों को हम अच्छे से हिलाएंगे और बीच बीच में इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। गैस को बंद कर देंगे और इसे एक खुले बर्तन में छलनी की सहायता से तेल को इसके मिक्सचर से अलग कर लेंगे। दोस्तों, तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म है इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैंने अकेले ही एक हाथ में कैमरा पकड़ रखा है फोन और दूसरे हाथ से मैं कढ़ाई में से तेल निकाल रही हूँ। अब हम तेल को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तेल अच्छे से ठंडा हो गया है। मैंने 1 घंटा पहले ही तेल को निकाल के रख दिया था इसलिए अब तेल बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं एक छलनी की सहायता से इसे एक शीशे की कांच की बोतल में निकाल लूंगी
देखिए इसका कलर कितना ही प्यारा लग रहा है, लग रहा है ना बिल्कुल बाजार की तरह। जिस तरह से बाजार का कलर होता है उसी तरह बिल्कुल आमले का तेल हमारा बनकर तैयार है। लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा, और उसका कलर इतना प्यारा लग रहा है ना, और इतना खुशबूदार बना है ना, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से कि मैं आपको बता नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।